आजम खान एंड फैमिली को अभी हाल में ही बेटे के फर्जी सर्टिफिकेट मामले में राहत मिली थी, लेकिन दो दिन बीते ही नहीं कि फिर से मुसीबतों का पहाड़ आ खड़ा हो गया और अब उन्हें सीधे 10 साल की सजा हो गई है। इसके साथ ही 14 लाख का जुर्माना भी लगा है। इसमें जो मोहम्मद आजम खान है, इनको 10 वर्ष का कठोर कारावास और सारे सेक्शंस में 14 लाख का जुर्माना। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। इस केस में आजम पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ करना और घर को बुलडोजर से गिराने का आरोप है। मामले में साल 2019 में रामपुर के गंज थाने में कई अलग अलग केस दर्ज हुए थे, जिसमें दो केस में तो आजम खान बरी हो चुके हैं, जबकि दो केस में दोषी हैं। ये जो मामला है 2019 में डूंगरपुर से संबंधित मैटर था, जिसकी रिपोर्ट 2019 में दर्ज कराई गई थी वादी अबरार के द्वारा थाना गंज में, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि उसके घर में घुस के जान से मारने की कोशिश की गई, मारपीट की गई, घर में रखा सामान जो था तोड़ फोड़ के उसकी लूटपाट की गई और घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ये आरोप उसके द्वारा लगाए गए थे, जिसको माननीय न्यायालय में साबित पाया गया, जिसमें कल दोष सिद्धि कर दी गई थी और आज उसमें सजा सुनाई गई है माननीय न्यायालय द्वारा। बता दें कि डूंगरपुर केस से जुड़े दूसरे मामले में आजम खान को पहले ही 7 साल की सजा हो चुकी है। जिस केस में आजम को जो आज 10 साल की सजा हुई है, ये केस वादी अबरार द्वारा आजम पर दर्ज करवाया गया था। इस मामले में वैसे तो कोर्ट ने आजम खान को बीते कल ही दोषी करार दे दिया, जिस पर आज फैसला सुनाया है। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है। आज की पेशी में आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इस सजा के साथ आजम अब 3 मामलों में दोषी हो चुके हैं। एक तो हेट स्पीच मामले में और दूसरा डूंगरपुर केस से जुड़े दूसरे केस में। कुल मिलाकर आजम खान अब बुरी तरह से फंसते ही जा रहे हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि बेटे अब्दुल्ला के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाल ही में उनकी सजा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, पर आज के फैसले ने उन्हें फिर से मुसीबत में ला दिया है। अब मामले में सजा के खिलाफ आजम खान क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।